सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू देव साइबर सिक्योरिटी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपके चैनल पे, और आज मैं लेकर आ गया हूँ वीडियो बेसिक कमांड्स का। ठीक है, आज अपने इस वीडियो में फाइल सिस्टम कैसे क्रिएट करते हैं कुछ कमांड्स के जरिए, वो मैं आपको बताऊंगा। और जो कमांड्स मैं आपको बताऊंगा, इसमें ऐसी कमांड्स होंगी जो हर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक न्यूज़ है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2 जून जो आने वाले 2 जून है 2024, उसमें मैं नया बैच शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, एथिकल हैकिंग का, जिसमें बेसिक से लेकर के एडवांस में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिसमें 23+ मॉड्यूल्स होंगे, और साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारे टूल्स प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं मेरे से लाइव इंटरेक्ट करना, लाइव मिलना, लाइव क्लास लेना चाहते हैं आप, तो आप मेरे से 2 जून को मिलिए। ठीक है, 2 जून 2024 को अपन डेमो क्लास रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू क्लास चलेंगे अपनी। ठीक है, और 4 महीने का कोर्स होगा, सिर्फ मिनिमम 4 महीने का कोर्स होगा, और सोमवार से शुक्रवार अपनी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, 1 घंटा क्लासेस रहेंगी, और उसमें मैं आपको सारी की सारी चीजें पढ़ाऊंगा, बेसिक से लेकर के एडवांस एथिकल हैकिंग, जिसमें होंगी 23+ मॉड्यूल्स, और साथ ही साथ बहुत सारे टूल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप जल्दी करना चाहते हैं, देखिए YouTube की कुछ गाइडलाइंस हैं, हो सकता है कि मैं पूरा का पूरा कंटेंट YouTube पर ना डाल सकूं, लेकिन मैं जब आपको लाइव पढ़ाऊंगा तो कंप्लीट मॉड्यूल्स पढ़ाऊंगा और कंप्लीट टॉपिक्स पढ़ाऊंगा जो आपको आगे काम आएंगी। चलिए, तो अभी जल्दी देर मत कीजिए, और अगर आप मेरे साथ जर्नी शुरू करना चाहते हैं एथिकल हैकिंग की, तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, ब्रोशर्स चेक करिए, मॉड्यूल्स चेक करिए। ठीक है, इसके अलावा फॉर्म फिल करिए, और 2 जून को बुक करिए डेमो क्लासेस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो हो गई बात कोर्सेज की, अब बात करते हैं लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड्स की। तो मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे ये व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आज लिनक्स अपन पढ़ेंगे और बेसिक फाइल सिस्टम कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखिए, इसको अपन शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूं दोस्तों कि जो अपनी लिनक्स की फाइल सिस्टम है, मतलब फाइल क्रिएट करने के लिए, लिनक्स फाइल क्रिएट करने के लिए अपने पास में कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, कुछ कमांड्स मिलते हैं। ध्यान से देखिए, पहले इस कमांड्स को मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद अपन सीधा प्रैक्टिकल पे चलेंगे। तो देखिए, इसके 5 रास्ते हैं अपने पास में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों, बहुत काम आएगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये काली लिनक्स या पैलेट ओएस पे काम आएगी, उबंटू या जिन दुनिया में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं लिनक्स के, सब में ये कमांड चलेंगी। सबसे पहले आता है अपने पास में कैट कमांड, ये एक फाइल क्रिएट करने के लिए, क्या फाइल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है अपने पास में टच कमांड, ये भी फाइल क्रिएट करने के लिए है, एम्प्टी फाइल। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, तीसरा आता है दोस्तों वीआई या विम, ये भी ये कमांड है, बेसिकली ये एडिटर कमांड है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन फाइल क्रिएट एडिटर। और चौथी है अपने पास में यहां पे नैनो, ये भी एक तरह का एडिटर है। ठीक है, ये 4 अपने पास बेसिक्स कमांड्स हैं, जिनके जरिए अपन ये देखेंगे कि एक लिनक्स में फाइल कैसे क्रिएट करी जाती है, बहुत बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, विंडोज में आपको आता है नोटपैड या पीपीटी या वर्ड या बहुत सारी चीजें आपको आता है विंडोज में किस तरह से फाइल क्रिएट करते हैं, लेकिन लिनक्स में किस तरह से फाइल क्रिएट करते हैं, क्या तरीका है, ये बहुत कम लोगों को पता है। और अगर पता है तो कुछ नैनो जीएडिट इसी के बारे में जानते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं जो बेसिक्स कंपनी में इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको ले चलता हूं एक एक करके, ये सारे कमांड्स को अपन देखते हैं क्या काम आता है। सबसे पहले कैट कमांड को अपन देखेंगे, फिर टच को देखेंगे, फिर वीआई विम को देखेंगे, और फिर नैनो को देखेंगे, एक एक करके कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, अब मैं ले चलता हूं अपनी मशीन्स पे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आ गया हूं अपनी काली लिनक्स पे, मशीन्स पे। ठीक है, मशीन पे आपको लाइव करके दिखाता हूं कि किस तरीके से कमांड्स, बेसिक कमांड्स यूज होती है। ठीक है, ये आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकते हैं, फिलहाल मैं काली या पैलेट यूज करता हूं क्योंकि मैं हैकिंग फील्ड से हूं, आप भी हैकिंग फील्ड से हैं, लेकिन अगर कोई और है जो हैकिंग फील्ड से नहीं है, वो भी इन कमांडों को अदर लिनक्स में यूज कर सकते हैं, जैसे अमेजोन लिनक्स है, उबंटू है, जोरिन है। ठीक है, बहुत सारी मशीन्स है। तो चलिए, सबसे पहले मैं खोलता हूँ यहाँ पे टर्मिनल। तो देखिए, टर्मिनल खोलने के लिए यहाँ पर ये है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, काली लिनक्स का कुछ एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, जैसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, वर्नरेबिलिटी एनालिसिस, वेयर एप्लीकेशन एनालिसिस, डेटाबेस असेसमेंट, इसी तरीके से बहुत सारे जो है आपको टूल्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ आपको कुछ फाइल्स क्रिएट है, यहाँ पे आपको एडिटर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम वगैरह, और आपसे जो रीस्टार्ट करते हैं, आप शट डाउन करते हैं, ठीक है, टाइमिंग वगैरह उससे रिलेटेड आपको, और नेटवर्क से रिलेटेड आपको चीजें यहाँ पे आइकन शो हो जाएंगी। ठीक है, बहुत फैमिलियर है,
कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको उसे इतना करना है कि आपको उस पर काम आना चाहिए। अब देखिए दो तरीके से इस पर काम होता है, या तो आप है ना जीयूआई वर्जन पे काम करें, एक एक फोल्डर खोलें, तो ये ज्यादा कुछ वैल्यूबल नहीं है, अपन को काम करना है कमांड बेस पे। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए क्रिएट फोल्डर, क्रिएट डॉक्यूमेंट वगैरह, एम्प्टी फाइल वगैरह कर सकते हैं, बट फिलहाल ये जो है वो रेलेवेंट नहीं है, ये तो अपन विंडोज में भी करते हैं, बट कमांड के थ्रू कैसे अपन फाइल क्रिएट करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, तो इससे भी जी जल्दी, आप बोलेंगे कि इससे जल्दी भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, और यहाँ पर जब आप कंपनीज में इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे कमांड बेस पे ही पूछा जाएगा कि कैसे फाइल क्रिएट करते हैं और कैसे मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं दोस्तों टर्मिनल पे, तो टर्मिनल देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिला होगा आपको टर्मिनल का, यहाँ इसको अपन आप ओपन करेंगे, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और जो बैक स्पेस के पास का जो प्लस का बटन होता है इससे जूम हो जाता है। आई थिंक अब आपको स्क्रीन क्लियर विजिबल होगी। अब देखिए सबसे पहले जो हमारे पास कमांड आती है, देखिए यहाँ पर ये जो आपको मिल रहा है ना, यहाँ पर ये जो डॉलर, ये जो साइन मिल रहा है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि अभी आप गेस्ट यूजर में हैं। किसमें? गेस्ट यूजर। और आप को भी पता है कि अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है काली में या लिनक्स मशीन में, तो आपको रूट यूजर बनना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि हम गेस्ट यूजर में भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अपन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तो हमें क्या है सबसे पहले रूट यूजर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो रूट यूजर के लिए लेने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको मैं कट कर देता हूं, और रूट यूजर के लिए देखिए क्या करेंगे, यहां पर अपन स्टार्ट करेंगे, यहां पे लिखता हूं मैं सुडो एस यू। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर सुडो एस यू क्या है, तो सुडो एस यू क्या है, एक रूट के अंदर जाने के लिए कमांड है, हालांकि इसका भी एक फुल फॉर्म है, जैसे अगर कोई पूछे कि भाई सुडो एस यू की फुल फॉर्म क्या है, तो सुडो एस यू की फुल फॉर्म होती है सुपर यूजर डू, सुपर यूजर डू। ठीक है, इसके अलावा स्विच यूजर। तो ये सुपर यूजर डू स्विच यूजर का मतलब क्या है कि भाई सुपर यूजर का मतलब है कि जो प्राइम यूजर है, जो रूट यूजर है, उस पर आप मुझे लेकर आइए और स्विच कीजिए यूजर, जो अभी जो यूजर है उससे मुझे स्विच करिए, और सुपर यूजर का मतलब जो रूट यूजर है, जो प्राइमरी यूजर है, वहां पे मुझे लेकर जाइए। तो ये इस कमांड का मतलब है। तो कई लोगों को नहीं पता, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सुडो सु की फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बताएंगे, सुपर यूजर डू स्विच यूजर। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए मैंने, यहां पर देखिए मैंने यहां पे लगा दिया है ये, ठीक है, स्विच यूजर मतलब सुडो सु। तो सुडो एस यू में जब प्रेस करूंगा यहाँ पे, तो मुझसे ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड जो आपने इंस्टॉल करते टाइम यहाँ पे रखा होगा वो पासवर्ड आपको लगाना है, जैसे कि मैं लगा देता हूँ TWR टॉर, और यहाँ पर ये आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पर ये जो है मेरे पास में ये साइन आ चुका है, किसका? रूट का, है ना। और रूट का साइन जो होता है, ध्यान रखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये जो हैश का साइन है ये आपके रूट का साइन होगा, है ना, रूट यूजर में हो आप। कई बार ये आपको दिखा हुआ होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो ये रूट लिखा हुआ है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लिनक्स के, उसमें रूट यूजर लिखा हुआ नहीं होता, उसमें ये साइन होता है। तो जब भी आपके पास ऐसा साइन आ जाए, है ना, इस तरीके से, या फिर मान लीजिए इस तरीके से, इसका मतलब है कि वो गेस्ट यूजर है। ठीक है, या मान लीजिए आपके पास आ जाए ऐसा डॉलर का सिग्नेचर, तो इसका मतलब है कि वो गेस्ट यूजर है। लेकिन जब आपके पास हैश का साइन आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि आप रूट यूजर में। ये भी एक शॉर्टकट में बता रहा हूं आपको, कि अगर आपको जल्दी से शॉर्टकट पे जाना है, आपको पता लगाना है कि मैं शॉर्टकट में हूं या नहीं हूं, चाहे रूट लिखा हुआ हो या नहीं हो, तो आप इस सिग्नेचर, इस साइन को देख के पता लगा लेंगे। क्लियर है, चलिए तो अब अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो अपन क्या करेंगे, मैंने आपको बोला कि एक कैट कमांड को यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में आती है फाइल क्रिएट करने के लिए कैट कमांड, और कैट कमांड क्या यूज करती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यूज करेंगे अपन कैट कमांड, ठीक है। अब कैट किस लिए काम आती है, तो सबसे पहले कैट कमांड को यूज करेंगे सबसे पहले अपन फाइल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड में यूज ली जाती है, इसको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते, मॉडिफाई तो करेंगे अपन एडिटर में, जैसे कि पे VI हो गया, विम हो गया, ठीक है, नैनो हो गया, जी एडिट हो गया, ये कुछ एडिटर्स है। लेकिन अगर आपको सिर्फ फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, तो फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपन कैट कमांड का यूज लेते हैं, अगर आप लेना चाहें तो। बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कैट कमांड का मैं प्रॉपर यूज बता रहा हूं, है ना, कि कैट कमांड को सबसे पहले यूज करते हैं क्रिएट फाइल करने के लिए। उसके बाद पर मैंने, देखिए यहां पर मैंने एक फाइल बनाई थी कैट वेद के नाम से, ठीक है, और वॉल्टर वाइट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी सी क्या है अंडरस्टैंड, थोड़ा सा क्या है लैग कर गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलता है।
इसके बाद मैंने एलएस टाइप किया, एलएस यहाँ पे वेद देखा की फाइल बन गई, और यहाँ पे देखिए कैट मैंने वेद करा तो वॉल्टर व्हाइट मेरे पास जो मैंने लिखा था वो यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या हुआ कि मैंने दो फाइलें क्रिएट करी आपके सामने, एक तो लिखी देव और एक लिखी वेद। क्लियर है? इतना काम आपने कर लिया। ठीक, जैसे मान लीजिए अब मैं कोई और कंटेंट जोड़ना चाहता हूं वेद में, तो मैं क्या करूंगा, कैट, ठीक है, और डबल बार क्या कर दूंगा, ग्रेटर देन लगा दूंगा और वेद कर दूंगा, और यहां पे मैं क्या कर दूंगा, लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ठीक है, कोई बात नहीं, दिस की जगह दिड हो गया, और यहां पे हाउ आर यू, ठीक है। इतना मैंने करने के बाद में क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है, और मैं यहां से बाहर आ गया। अब मैं वापस देखना चाहता हूं कैट वेद, देखिए यहां पर आ गया वॉल्टर व्हाइट, व्हाट इज दिट और हाउ आर यू, डी की जगह, सॉरी एस की जगह डी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बट आप समझ गए कि अगर कोई नया कंटेंट जोड़ना है तो कैसे करेंगे। सिंपल, अगर आपको फाइल बनानी है तो कैट ग्रेटर देन और फिर फाइल का नाम, और अगर आपको उसके अंदर कुछ एड ऑन करना है तो कैट डबल बार आप क्या करेंगे, वो करेंगे ग्रेटर देन और फिर आप फाइल का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद जोड़ देंगे। क्लियर है? अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा देव है ना, और जो वेद है, इस दोनों का कंटेंट मुझे दिख जाए, समझ रहे हैं, इन दोनों का कंटेंट एक हो जाए, कॉपी हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर इन दोनों फाइलों को अगर मुझे जोड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे करूंगा कैट, ठीक है, और यहाँ पे मैं ग्रेटर देन का पहले फाइल का नाम लिखूंगा पहले, ठीक है, जैसे पहले फाइल का नाम था देव और यहाँ पे मैंने लिख दिया वेद, उसके बाद में ग्रेटर देन दबाया और एक तीसरी फाइल, क्योंकि मुझे दोनों फाइलों को जोड़ना है एक साथ, दोनों फाइल के कंटेंट को जोड़ना है किसमें, तीसरी फाइल में, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिखूंगा ऑल और ऑल करके मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है। एलएस टैप किया, अब देखना चाहता हूँ कि क्या मेरी फाइल बनी है नहीं बनी है। मैंने एलएस टैप किया, एलएस जैसे टैप किया तो देखिए ऑल नाम की फाइल बन चुकी है। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे देखा कैट और ए डब्ल एल ऑल, तो देखिए जैसे ही मैंने ऑल करा, देखिए यहाँ पे हेलो वेलकम टू देव साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, और यहाँ पर वॉल्टर व्हाइट व्हाट इज दिस, जो भी है, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था दोनों फाइलों में, वो सारा कॉपी होके यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से कैट फाइल का जो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है, जो मेथड है, इसका सबसे ज्यादा यूज है ना, वो इसी फाइल यही है कि भाई आप क्या करें, बहुत सारे आपके पास में फाइलें होंगी, ठीक है, बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ होगा आपके पास, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई इन सारे कंटेंट को किसी एक फाइल में लाया जाए, देखा जाए क्या लिखा हुआ है, तो आप इस तरीके से कैट का यूज करके बहुत सारे फाइलों का कंटेंट एक साथ देख सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है गाइस? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहता हूं दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक तरीका और बताया था मैंने आपको कि अगर कैट में टैग में जोड़ दूं, जैसे मैं यहाँ पे टैग, ठीक है, जैसे मैंने एलएस करूं यहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि जैसे ये देखिए ऑल फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है मैं चाहता हूँ उसको बॉटम टू अप देखना, जैसे कि ये जो है हाउ आर यू व्हाट इज दिट और नमस्ते वॉल्टर व्हाइट जो भी है ये पहले आ जाए और बाकी के सारे कंटेंट बाद में आ जाए, मतलब ये जो मुझे कंटेंट दिख रहा है वो बॉटम टू अप दिखे। कई बार ऐसा होगा कि आपको देखना पड़ेगा कि जो फाइलें हैं नीचे से मुझे वो सबसे पहले देखनी है, ठीक है, आप नीचे नहीं जाना पड़े, आपको स्क्रॉल ना करना पड़े, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीएसी टैग, ठीक है, उल्टा कर देना कैट का और यहाँ पे ए डब्ल एल ऑल यहाँ पे क्लिक कर देना। देखिए अब यहाँ पर जो ऊपर से कंटेंट था है ना, जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर आ गया है और जो सबसे ऊपर था वो सबसे नीचे आ गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, कैट कमांड का बेहतर यूज कर सकते हैं इस तरीके से। समझ गए आप, कैट कमांड को यूज करना आपको आ गया, फाइल कैसे बनानी है, ठीक है, फाइल को कॉपी कैसे करना है, दोनों फाइलों को मर्ज कैसे करना है, उसके अलावा आपको बॉटम टू अप अगर देखना है कंटेंट तो किस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए तो ये तो हो गया कैट कमांड का पर्पस, अब अपन देखते हैं टच कमांड कैसे यूज लिया जाता है, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि टच कमांड कैसे यूज में लिया जाता है। तो देखो देखो टच कमांड के दोस्तों बहुत सारे यूज हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वो टच कमांड एम्प्टी फाइल यूज करने के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, टच कमांड के और भी बहुत सारे यूज हैं। ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टच कमांड, यहाँ पे मैंने लिख दिया टी ओ सी एच टच, और टच कमांड के क्या क्या यूज है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट ए एम्प्टी फाइल। एम्प्टी फाइल का मतलब ये दोस्तों कि उसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, आप सिंपल एक फाइल बना के उसके बाद उसका कंटेंट अपन बाद में लिखेंगे, लेकिन अगर आपको कोई एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं इससे, क्रिएट एम्प्टी फाइल। इसके अलावा क्रिएट ए मल्टीपल एम्प्टी फाइल,
आप चाहें तो एक से ज्यादा फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सर मुझे 10 फाइल क्रिएट करनी है एम्प्टी, मैं बाद में उन पे एडिट कर दूंगा, लेकिन मुझे क्रिएट करनी है, तो आप टच कमांड का सिंपल यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है चेंज, तीसरा चेंज ऑल टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प ऑफ ए फाइल। अभी दोस्तों टाइम स्टैम्प क्या होता है? तो दोस्तों टाइम स्टैम्प का मतलब ये होता है, जैसे टाइम स्टैम्प होता है, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं टाइम स्टैम्प, ठीक है। और टाइम स्टैम्प का मतलब तीन चीजें होती है, एक्सेस, मोडिफाई, सॉरी सॉरी मोडिफाई, और यहां पे आता है चेंज। ये तीन चीजों से मिलकर आपका टाइम स्टैम्प बनता है। टाइम स्टैम्प का मतलब आपने फाइल एक्सेस कब करी, ठीक है, आपने मॉडिफाई कब करा, एक्सेस का मतलब बनाया, चेंज कब किया, जो भी वो सॉरी बनाया आपने कब बनाया, ठीक है, कब एडिट किया, सारी चीजें। उसके बाद आप उसमें मॉडिफाई कब किया, उसके बाद आपने चेंज कब किया टाइम, तो ये टाइम स्टैम्प होते हैं, क्लियर। जैसे के लिए एक्सेस टाइम मान लीजिए इसको बोल सकते हैं, मॉडिफाई टाइम इसको बोल सकते हैं, और चेंज टाइम, भाई आपका एक्सेस टाइम क्या था, आपने क्रिएट कब करा, उसके बाद मॉडिफाई टाइम आपने मॉडिफाई कब करा उसको, उसके बाद चेंज टाइम आपने चेंज कब किया, ये सब भी टच कमांड से अपन देख सकते हैं, क्लियर है। और उसके बाद आता है एक और ऑप्शन, जैसे कि यहां पर मैं आता हूं, यहां पर एक और ऑप्शन, अपडेट एनी, सॉरी अपडेट ओनली एक्सेस टाइम ऑफ ए फाइल या फिर मल्टीपल फाइल, क्लियर। मतलब अपडेट अपडेट आप कर सकते हैं, एक्सेस टाइम, मॉडिफाई टाइम, चेंज टाइम, यहाँ पे अपडेट ऑल कर दीजिए, ओनली नहीं, अपडेट ऑल एक्सेस टाइम ऑफ अ फाइल मल्टीपल फाइल। मतलब अगर आपको कोई अपडेट करना हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी फाइल को मैंने कब खोला था, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, टाइम स्टैम्प चेंज करना चाहता हूँ उसका, कि भाई ये फाइल जो है वो मैंने शायद आज से 20 दिन पहले खोली थी, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आया, वो नजर आया कि मैंने सिर्फ 2 दिन पहले खोली थी, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने मॉडिफाई कर दिया, आप मान लीजिए 2 दिन पहले या फिर 2 महीने पहले, लेकिन आप चाहते हैं कि मॉडिफाई मैंने सिर्फ 2 दिन पहले ही किया है, किसी को दिखे ही नहीं कि मैंने 2 महीने पहले किया है, तो आप वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अपन करेंगे, फिलहाल देख लेते हैं, शुरू से लेकर शुरू करते हैं, फाइल बनाने से के ऊपर, फाइल बनाने से लेकर के पूरी की पूरी चीजें कि अपन किस तरीके से कैसे काम करेंगे। चलिए तो मैं इसको मिटा देता हूं, तो अपन बात करते हैं किस तरीके से टच कमांड को यूज में लिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं दूसरे फोल्डर में रहता हूँ, मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, चलिए छोड़िए फोल्डर क्रिएट करना, मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। फिलहाल जैसे कि मैंने यहाँ पे एलएस टाइप किया, तो मेरे पास काफी फाइलें आ रही है। अब मैं कोई फाइल बनाऊंगा दूसरी, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया टच, और यहाँ पे लिख दिया फाइल वन, ठीक है, टच फाइल वन बना दिया। और मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, सिंपल एम, सिंपल मैंने क्या कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब मैं देखूंगा कि वो फाइल बनी है या नहीं बनी है, मैं एलएस यहाँ पे टाइप किया मैंने, और एलएस से मैंने यहाँ पे बुला दिया, देखिए फाइल वन, एलएस मैंने टाइप किया, एलएस का मतलब लिस्ट, और मैंने देखा कि क्या मेरी फाइल वन क्रिएट हुई है या नहीं हुई है, तो यहाँ पे मुझे बता दिया कि फाइल वन क्रिएट हो गई है, फाइल बन चुकी है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि सर फाइल के अंदर मुझे कुछ लिखना है, तो अगर फाइल के अंदर आपको कुछ लिखना है तो वो आप कैट कमांड से लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी टच कमांड जो है वो सिर्फ एम्प्टी फाइल बनाता है, मतलब कि भाई फाइल बन गई है, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस मुझे एम्प्टी फाइल बनानी है। अब आप चाहते हैं कि सर मैं एक से ज्यादा एम्प्टी फाइल बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टी ओ सी एस टच कमांड लिखूंगा सीधा, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टी ओ सी एस टच, और यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल टू, ठीक है, फाइल थ्री, यहाँ पे मैंने फाइल थ्री लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइल फोर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइल फाइव, ठीक है, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया, क्लियर है। इस तरीके से टच कमांड के जरिए अब मैं देखता हूँ एलएस करके कि क्या वो फाइल है जो मैंने क्रिएट करी अभी वो बनी है कि नहीं बनी है। मैंने एलएस टाइप किया, एंटर प्रेस किया, देखिए फाइल वन, फाइल टू, फाइल थ्री, फाइल फोर, फाइल फाइव, इस तरीके से फाइल क्रिएट हो गई। इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है, अगर मुझे उसको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई अगर मुझे करना है तो मुझे कैट कमांड यूज करना पड़ेगा, या एडिट, या फिर जो भी जी एडिट वगैरह, जो नैनो वगैरह है वो एडिटर से यूज करेंगे, वो बाद में अपन देखेंगे कैसे करते हैं। लेकिन अगर आपको एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है, और सबसे इसका जो मेन यूज है वो है टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प जैसे मैंने अभी थोड़ी देर बताया, एक्सेस टाइम, एक्सेस मॉडिफाई, एक्सेस और मॉडिफाई चेंज, ठीक है, कि भी आपने फाइल को बनाया कब,
आपने एक्सेस कब किया, वो आपने लास्ट टाइम पे उसके अंदर कुछ जोड़ा क्या मॉडिफाई, वो टाइम देखना है। उसके बाद में टाइम का मेटा डेटा, सॉरी फाइल का मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक फोटो ली, क्लिक करी, ठीक है, एक फोटो क्लिक करी, तो उस फोटो की साइज क्या थी, कब क्रिएट हुई, ठीक है, कितने पिक्सल की थी, जेपीजी फॉर्मेट पे थी कि पीएनजी फॉर्मेट में थी, है ना, सारी चीजें ये जो आती है, मतलब डेटा का भी डेटा, उसको बोलते हैं मेटा डेटा। तो मेटा डेटा अगर आपको चेंज करना है कि भाई इसका चेंज हो जाए, तो वो भी आप इस कमांड से कर सकते हैं। तो क्लियर है भाई, मैंने आपको तीन चीजें बता दी। अब पहले दो चीजें तो अपन ने क्लियर कर ली कि भाई टच कमांड से एक तो एम्प्टी फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, दूसरा मल्टीपल एम्प्टी फाइल क्रिएट कैसे करते हैं। अब तीसरी चीज अपन ये देखते हैं कि अगर मुझे सारे टाइम स्टैम्प चेंज करने हैं तो मैं क्या करूंगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे सिंपल मैंने क्या करा, मैं चाहता हूं कि मैं टाइम स्टैम्प देखना चाहता हूं कि भाई मैंने ये फाइल क्रिएट कब करी, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्रिएट करने के लिए सिंपल एक कमांड है स्टेट, STAT, ठीक है, स्टेट करके मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने फाइल नंबर वन कब क्रिएट करी थी। तो इसमें मैंने यहाँ पे लिखा फाइल वन, ठीक है। अब जैसे मैंने फाइल वन क्रिएट करा दोस्तों, देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये आपको दिख रहा है एक्सेस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक्सेस मॉडिफाई, मैंने कब एक्सेस किया, देखिए यहाँ पे आ गया 22 मई, 22 मई जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2024, टाइम ये था। मॉडिफाई मैंने कब किया, तो मॉडिफाई के लिए मैंने कुछ मॉडिफाई नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कैट कमांड के थ्रू या किसी और एडिट कमांड को किसी और एडिटर के थ्रू अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, तो वो भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और चेंज का मतलब कि भाई टाइम कब चेंज हुआ है, ये तीन चीजें आती है, एक्सेस, ठीक है, एक्सेस टाइम, मॉडिफाई टाइम, और आता है चेंज टाइम। ये तीन चीजें टाइम स्टैम्प कहलाती है, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिए, ये बहुत पूछा जाता है इंटरव्यूज में कि भाई क्या है टाइम स्टैम्प, आप किसी फाइल का टाइम स्टैम्प चेंज करके दिखाइए। तो जब आता होगा तब चेंज करके दिखाएंगे ना, बहुत लोगों को पता ही नहीं है, सिंपल क्लियर है। तो एक्सेस टाइम, मॉडिफाई टाइम और चेंज टाइम, ठीक है। तो यहां से ये तीनों चीजें आप किसी भी फाइल की देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे चेंज करना है, मुझे फाइल वन का एक्सेस टाइम चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, आपको सिंपल टच कमांड का यूज लेना है। इसको मैं कभी हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा के इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ ड्राइविंग को। अब मुझे क्या करना है, एक्सेस टाइम चेंज करना है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो एक्सेस टाइम है ना, ये चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सिंपल कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा TOCH टच और हाइफन ए कर दूंगा। अगर मुझे एक्सेस टाइम चेंज करना है तो हाइफन ए, क्योंकि एक्सेस का हाइफन ए, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, फाइल वन कर दूंगा, ठीक है, मैं एंटर प्रेस कर दिया। अब एंटर प्रेस करके मैं देखूंगा वापस कि क्या ये फाइल का एक्सेस टाइम चेंज हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा टी स्टेट, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने स्टेट के साथ फाइल वन। देखिए यहाँ पर देखिए मेरा जो एक्सेस टाइम है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। मैंने सिर्फ टच कमांड के द्वारा सिर्फ हाइफन ए करा था, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, देखिए एक्सेस टाइम चेंज हो गया, यहाँ पे सबका एक्सेस टाइम पहले ही आ रहा था, है ना, अब क्या आ रहा है, एक्सेस टाइम 16:04:06 पहले आता था, पहले आ रहा था ये वाला, क्लियर। अब बोलेंगे कि सर ये के साथ चेंज भी हो गया, तो टाइम तो चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने उसके अंदर कुछ भी मॉडिफाई करा, कुछ भी, चाहे एक्सेस टाइम चेंज करा, चाहे एक्सेस मॉडिफाई चेंज करा, तो उसका मेटा डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, क्लियर है। अब मान लीजिए कि मैं मॉडिफाई भी चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको मॉडिफाई कब करा, मैं इसको भी चेंज करना चाहता हूं, तो उसके लिए चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल मैं क्या करूंगा, हाइफ टच कमांड यूज करूंगा और हाइफन डी, ठीक है, सॉरी हाइफन एम, हाइफन एम का मतलब मॉडिफाई, मुझे मॉडिफाई करना है कौन सा, फाइल वन, तो मैंने यहाँ पे फाइल वन कर लिया, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि क्या जो मैंने मॉडिफाई करा है वो हुआ कि नहीं हुआ, मैं वापस टच कमांड पे जाऊंगा, ठीक है, और सॉरी टच कमांड नहीं, मैं जाऊंगा स्टेट पे, STAT स्टेट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने खोला फाइल वन, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो है वो मॉडिफाई भी चेंज हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर मैं एक्सेस टाइम को चेंज करता हूँ, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे दिखा, मैं यहाँ पे एक्सेस टाइम को चेंज करता हूँ, ठीक है, तो भी मेरा जो टाइमिंग का है, मतलब जो चेंज टाइम है, वो मेरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं मॉडिफाई टाइम को चेंज करता हूँ तो भी मेरा चेंज हो जाएगा, मतलब अगर इन दोनों में से मैं किसी को भी चेंज करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइमिंग चेंज है। अब टाइमिंग चेंज में दोनों चीजें आती है, चाहे आप एक्सेस टाइम को चेंज करो कि इस फाइल को आपने एक्सेस कब करा, और या फिर आपने उसको मॉडिफाई कब करा, दोनों चीजें आती है, क्लियर है।
और बर्थ ये आपको बता ही रहा है कि भाई ये फाइल बनी कब। देखिए बर्थ का मतलब ये है कि आप देखना चाहते हैं कि फाइल क्रिएट कब हुई, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं फाइल क्रिएट की हुई तो ये देखिए यहां पर आप इस चीज को देख सकते हैं, क्लियर है। तो अब ये समझ गए आप टच कमांड का पूरा उपयोग कि भाई किस तरीके से मैं पहले तो सबसे पहले क्रिएट फाइल कैसे क्रिएट फाइल करेंगे, मल्टीपल फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, मल्टीपल एम्प्टी फाइल, और उसके बाद टाइम स्टैम्प कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो इसका जरूरी उपयोग है टच कमांड का वो है टाइम स्टैम्प, कि आप टाइम स्टैम्प कैसे चेंज करेंगे किसी भी फाइल का। मान लीजिए आपको बोला जाता है कि इसका टाइम चेंज कर दो, ये फाइल कब क्रिएट करी, 2 महीने पहले नहीं 2 दिन पहले की आनी चाहिए, तो आप चेंज कर सकते हैं, क्लियर, या फिर अभी की आनी चाहिए तो आप चेंज कर सकते हैं, क्लियर है। इसके अलावा भी और इसके बहुत ऑप्शंस है, यूज है, लेकिन वो धीरे धीरे करके अपन जब आगे चलेंगे देखेंगे। फिलहाल ये फाइलों का कुछ चीजें है जो आपको इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है। आपको टाइम स्टैम्प के बारे में पूछ लिया, आपको पता होगा तो आप बता देंगे कि हाँ भी टाइम स्टैम्प भी होता है, टच के द्वारा चेंज किया जाता है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं इसको क्लियर कर देता हूं और अब आगे की कमांड्स पे अपन बढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, क्लियर कर देता हूं, और यहां से मैं क्या करता हूं इसको भी क्लियर कर देता हूं। अब जो अपनी कमांड है दोस्तों वो है यहां पर vi या फिर vim, और ये vi और जो vim है ये क्या है, एडिटर्स है, क्या है यहाँ पे, एडिटर्स है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज एडिट करनी है, ठीक है, अगर आपको कोई चीज एडिट करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि भी कैट और टच कमांड से तो क्या हो सकता है, अपन फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कैट से आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा एड ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एडिट करना हो, मान लीजिए मैंने कोई लाइन लिख दी 3-4, है ना, 3-4 लाइन लिख के मुझे उसको एडिट करना है, या मैं चाहता हूं कि 3-4 लाइन हटा के मैं कुछ दूसरा लिखूं, तो वो आप किससे करेंगे, vi से, ठीक है। और देखिए एक चीज और मैं बता दूं, vi बहुत पावरफुल एडिटर है, ठीक है, बहुत पावरफुल एडिटर है ये vi। और दूसरी चीज ये कि ये हर लिनक्स में यूज हो सकता है, हर लिनक्स में इसका यूज होगा, मतलब आपको दुनिया के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बैठा दिया जाए लिनक्स के, उसमें vi आपके काम आएगा। थोड़ा टिपिकल है यूज करने में, ठीक है, लेकिन अगर आपको काम करना आ गया आसान तो बहुत आसान है काम करना। और आपको बता दिया कि भी आप Ubuntu में फाइल क्रिएट करिए तो आप इससे कर सकते हैं, Zorin में करिए, Amazon लिनक्स में करिए, CentOS में करिए, तो बहुत सारे है ना ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेंगे लिनक्स में काम करने के लिए। आप बोलेंगे सर फाइल कैसे क्रिएट करें, तो आप vi कर सकते हैं। अब हो सकता है कि कईयों में नैनो काम करे या ना करे, ठीक है, कईयों पे gedit भी कई बार काम नहीं करता, हालांकि gedit बहुत सिंपल है, इसकी बात अपन नहीं करेंगे, वो जब अपन क्लास लेंगे लाइव या फिर जब अपन आगे पढ़ेंगे तब gedit तो अपन वैसे यूज करेंगे, बहुत सिंपल है gedit, तो नोटपेड की तरह, ठीक है। लेकिन मेन जो कमांड है फाइल क्रिएट करने की वो ये चार ही है, ठीक है, तो नैनो कई बार नहीं चलता है, तो vi हमारे बहुत काम आएगा, ठीक है। अब vi को अपन कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में या फिर अभी इसके आगे लेक्चर में बताता हूं, ठीक है। तो पहले मैं इसको क्या करता हूं, यहां से क्लियर कर देता हूं, और अब मैं आपको बताता हूं कि vi कैसे काम करेगा। तो देखिए यहां पे सिंपल मैंने लिख दिया vi, ठीक है, और मैंने जो फाइल क्रिएट करी थी, जैसे कि देखिए मैंने ls टाइप करता हूं और मैंने एक फाइल क्रिएट करी थी देव नाम से। अब मैं इसी पे ही एडिट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं इस फाइल के कंटेंट को एडिट करता हूं। तो सिंपल आपको क्या करना है, vi करना है, और मैंने लिख देना है देव, मैंने लिख दिया। जैसे ही आपने लिखा देव, देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आ गई है, क्लियर। अब सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ये यह कि मुझे इसमें कुछ इंसर्ट करना है, ठीक है, इंसर्ट करने का मतलब मॉडिफाई करना है, इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल आई बटन प्रेस करूंगा, क्या बटन प्रेस करूंगा, कीबोर्ड पे आई बटन, तो मैं यहाँ पे आई बटन प्रेस कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे इंसर्ट आ गया। अब मैं चाहके यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने नमस्ते हटा दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, शो टाइम हटा दिया, यहाँ से मैं गया कीबोर्ड से और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, ये सब मैंने हटा दिए, क्लियर। और मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो हाउ आर यू, ठीक है, आई एम इन डेंजर, ठीक है, वॉल्टर वाइट, मैंने कुछ भी कर दिया, ठीक है। अब मैं यहां से इसको कुछ भी चेंज कर सकता हूं, ठीक है, ये एक एडिटर है, बहुत सिंपल एडिटर है, बहुत पावरफुल एडिटर है ये, नैनो से भी पावरफुल एडिटर मानता हूं मैं इसको vi को, और vi हर जगह यूज होता है। और एक बात और, जो एग्जाम देना चाहते हैं बड़े बड़े एथिकल हैकिंग के, जैसे कि OSCP वगैरह हो गया, EC काउंसिल वगैरह हो गया, तो वहां पे vi का बहुत यूज किया जाता है, ध्यान रखना एक चीज है ना, वहां पे आपका vi का यूज करना बताएंगे वो, मतलब अगर आपको vi का यूज करना आता है तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, बजाय नैनो और gedit के,
अब देखिए यहां पर मैंने क्या करा, सिंपल क्या करा, यहां पे मैंने ये फाइल क्रिएट कर दी। अब मुझे इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए देखिए तीन चार ऑप्शंस मेरे पास में है, ठीक है। जैसे मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं, आपको इसको सेव कैसे करोगे और किस तरीके से आप आओगे। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको इसको सेव करना है तो आप क्या करोगे, कॉलन लगाओगे और यहां पे लिखोगे W, इससे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, टू सेव, ठीक है, क्या हो जाएगा, टू सेव। लेकिन अगर आपको मान लीजिए सेव एंड क्विट करना है, मैं चाहता हूं कि मैं इसको सेव भी कर दूं और क्विट भी कर दूं, एक साथ दोनों काम करूं, अगर आप इसको सिर्फ सेव करना चाहते हैं तो कॉलन लगा के W लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको सेव करने के साथ साथ क्विट भी मेरा हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आप यहां पे लिख सकते हैं कॉलन W और Q O R कॉलन Q, ये भी आप कर सकते हैं, सॉरी कॉलन Q नहीं, कॉलन X, ये भी आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, टू सेव, ठीक है, एस क्विट, क्लियर है। मैंने क्या लिखा, वापस लिख देता हूं, ठीक है, कॉलन डब्लू क्यू, ठीक है, डब्लू ये शॉर्ट स्मॉल है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिए, जो जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, वो केस सेंसिटिव है, आप किसी भी चीज को कैपिटल अक्षर में नहीं लिख सकते, अगर आप कैपिटल में लिखेंगे तो वो दूसरी फाइल बन जाएगी, तो ज्यादातर आपको यूज लेना है स्मॉल लेटर्स का, कैपिटल लेटर का यूज नहीं लेना है, ठीक है, ओ आर कॉलन एक्स, इससे क्या होगा, टू सेव एंड क्विट, क्लियर है। इसके अलावा मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं सेव नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ क्विट करना चाहता हूं, जो भी आपने मॉडिफाई कराया मैं क्विट करना चाहता हूं, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल क्यू को कर सकते हैं, यहां से क्विट हो जाएगा, ठीक है। और आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको फोर्स क्विट करना चाहता हूं, ठीक है, मैं सेव नहीं करना चाहता, हालांकि ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, है ना, इससे क्यू से, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई सेव नहीं करना चाहता मैं, तो क्विट करना चाहता हूं सीधी, है ना, बिना कोई सेव करे, मैंने कोई मॉडिफाई नहीं करा, मैं चाहता हूं कि जो मॉडिफाई मैंने कराया उसको मैं अंडू करना चाहता हूं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे सिंपल यहां पे आप कोलन लगा देंगे और यहां पे क्यू प्रेस कर देंगे, और जो ये जो ऑप्शन है ना नॉट इक्वल का, इसको क्या बोलते हैं, इसको आप प्रेस कर देंगे, तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स क्विट, फोर्स क्विट, नो सेव, ठीक है, सेव नहीं होगा। ये चार ऑप्शन है हमारे पास में, इन चार ऑप्शनों को अपन एक एक करके यूज लेके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला कि मुझे इसको सेव करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कॉलन, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है, नहीं, अब जैसे मुझे इसको सेव करना है, ठीक है दोस्तों, तो सेव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या बटन दबाऊंगा मैं, एस्केप, मैं सबसे पहले यहाँ पे एस्केप बटन दबाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे दबा दिया एस्केप, और एस्केप डालने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा W, देखिए यहाँ पे आ गया, नीचे नीचे आपको दिखेगा कॉलन W, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, W किया, एंटर प्रेस किया, ठीक है, एंटर प्रेस करने के बाद में मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, क्लियर, ये सेव हो गया मेरा, बाहर नहीं आया मतलब सेव हो गया, अब मुझे इससे बाहर आना है, तो मैं क्या करूंगा, वापस एस्केप पे जाऊंगा, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉलन और यहाँ पे WQ, ये देखिए मैं इससे बाहर आ गया, मैं चाहता तो कॉलन Q से भी बाहर आ सकता था, क्लियर। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या वो फाइल रही है या नहीं रही है, तो मैं यहाँ पे सिंपल कैट कमांड के लिए सकता हूँ, कैट DEV, देखिए यहाँ पे ये मेरी फाइल आ चुकी है, चाहे तो आप कैट से करें, लेकिन अगर आप VI से खोलेंगे तो दोबारा वो एडिटर खुल जाएगा, अब मैं चाहता हूँ दोबारा एडिट करना उसको, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, VI और वापस करता हूँ देव, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई प्रेस करूंगा, सिंपल मैंने यहाँ पे आई प्रेस करा, और मैं यहाँ पे वापस क्या कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, हेलो नमस्ते या फिर ऑल क्लियर, ठीक है, या फिर ऑल इज वेल, ठीक है। अब आपको सिंपल क्या करना है, एस्केप बटन प्रेस करना है, क्या करना है, एस्केप बटन, तो मैंने यहाँ पे क्या एस्केप बटन प्रेस करा, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको सेव नहीं करना चाहता, ठीक है, मैंने जो भी इसमें लिखा है मैं चाहता हूं कि वो अंडू हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल कॉलन करूंगा, क्यू करूंगा, और जो नॉट इक्वल का बटन है उसको दबा दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, क्लियर। अब ये सेव नहीं हुआ है, जो भी मैंने इसमें मॉडिफाई कराया है मेरा सेव नहीं हुआ है, जो पहले था वही रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखता हूँ कैट और डीवी देव, ठीक है, देखिए जो भी मैंने था वो पहले आ गया, मैंने इसका कोई सेव नहीं हुआ इसमें, जो भी मैंने इसमें किया कोई सेव नहीं हुआ, ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। दोबारा एक बार मैं बता देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे दिए लेव लिखा, आई प्रेस करा, और अब मैं क्या करता हूँ, यहां से इसको चेंज करता हूँ, कुछ भी चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए
ठीक है, इसको मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज फाइनल टाइम, ठीक है, एंड ऑन दी प्रोग्रेस क्लियर, ये लिख दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि ये सेव हो जाए, तो आप क्या करेंगे, सेव भी करेंगे, क्विट भी कर देंगे, ठीक है, एक साथ ही कर देंगे, ठीक है। हालांकि इसको सेव करना है आपको, तो कॉलन क्यू करके आप इसको सेव करके क्विट कर सकते हैं, या ये कॉलन डब्ल्यू कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भी सेव भी हो जाए, क्विट भी हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एस्केप बटन प्रेस करूंगा, सिंपल कॉलन करूंगा, डब्ल्यू क्यू कर दूंगा, ठीक है। नीचे देखिए यहाँ पे जो आ रहा है, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, कहीं आपको नहीं दिखेगा, ये देखिए नीचे जो डब्ल्यू क्यू आ रहा है, ये आपको करना है कॉलन लगा के, ठीक है। ये बहुत पावरफुल है और ये हर एक लिनक्स मशीन में चल जाता है, क्लियर। ये करके मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया, मैं इससे बाहर आ गया। अब मुझे इसको देखना है कि मैंने क्या लिखा, तो कैट देव, तो देखिए यहाँ पे जो भी मैंने किया था चेंजेस, वो यहाँ पे हो चुका है, क्लियर है गाइस। तो इस तरीके से जो वीआई एडिटर है, वो बहुत काम का एडिटर है, बहुत पावरफुल एडिटर है, और आप जब बड़े बड़े एग्जाम्स देंगे ना, साइबर सिक्योरिटी के एग्जाम्स देंगे, तो सबसे ज्यादा काम वीआई ही आता है उसके अंदर, क्लियर है। वो मना कर देंगे कि आप नैनो यूज नहीं करेंगे, आप जेडेड यूज नहीं करेंगे, आप वीआई यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बोलते हैं कि आपको काम करना आता है या नहीं, इसी तरीके से। चलिए अब चलते हैं अपन दोस्तों आगे, जो अपना फाइल, जो अपने नेक्स्ट, जो अपने कमांड है, वो है नैनो, क्या है, नैनो कमांड, क्लियर। तो इसको क्लियर कर देते हैं, और अब मैं आपको सिंपल बताता हूं यहाँ पे एक एडिटर जिसका नाम है नैनो, ये भी सिंपल क्या है, एक एडिटर है, ठीक है, इसके अंदर भी आप एडिट कर सकते हैं, क्लियर। और इसके नीचे आपको क्या दिख जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस भी दिख जाएंगे, ठीक है, काफी सारे ऑप्शंस इसके अंदर आपको दिख जाएंगे कि भाई कैसे आपको सेव करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सब आपको दिख जाएगा, तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। तो नैनो को यूज करके देखते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, फाइल बनानी है, जैसे मैंने फाइल बनाया, आप नई फाइल भी बना सकते हैं, जैसे कि वीआई के थ्रू भी आप नई फाइल बना सकते हैं, ठीक है, या फिर जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें भी आप अपडेट कर सकते हैं। यहां से अपन क्या करेंगे, मैंने यहां से इसको क्रॉस किया, और यहां से मैं क्या करता हूँ, फाइल बनाता हूँ, जैसे मैंने लिखा नैनो, ठीक है, और एक नई फाइल क्रिएट करके बताता हूँ, नैनो और नई फाइल क्रिएट, जैसे कि मैंने लिखा आकाश, ठीक है, और मैंने इसको बना दिया, तो देखिए आकाश लिख दिया, यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो नीचे है, न्यू फाइल, हेल्प, राइट आउट, वेयर इज, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई, क्लियर। तो अब जैसे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कुछ लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा दिस इज शो टाइम, ठीक है, दिस इज शो टाइम, हेलो हु आर यू, और मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू देव साइबर सिक्योरिटी, क्लियर। अब मैं चाहता हूं कि ये सेव हो जाए, ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, सेव हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको कंट्रोल एक्स करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एक्स करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, अभी आपसे पूछेगा कि इसको सेव करना है या नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, कैपिटल वाई या फिर शिफ्ट वाई, शिफ्ट वाई आप दबाएंगे, शिफ्ट प्लस वाई मैंने दबा दिया, शिफ्ट वाई दबा के ये सेव हो गया। अब मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, शिफ्ट वाई दबा के, शिफ्ट वाई का मतलब हो गया कि भाई कैपिटल वाई, सेव हो गया। अब एंटर प्रेस करा, उसके बाद में इस एनएनओ से बाहर आ गया। अब मैं ये देखता हूँ एलएस करके कि क्या वो आकाश नाम की फाइल बनी है या नहीं बनी है, तो मैंने आकाश नाम की फाइल बनाई एलएस, देखिए यहाँ पे आकाश नाम की फाइल बन चुकी है, क्लियर है। अब आकाश नाम की फाइल तो बन गई, अब मुझे इसके अंदर का कंटेंट को देखना है, तो सिंपल आप क्या कर सकते हैं, नैनो का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ सिंपल कंटेंट देखना है, तो आप कैट कमांड का यूज लेंगे, कैट आकाश, ठीक है, ये देखिए यहां पर आ गया दिस इज शो टाइम। अब मुझे इसको देखना है कि भाई वेलकम टू देव साइबर सिक्योरिटी पहले आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल टीएसी कर दूंगा, टैग आकाश, ठीक है, देखिए जो उल्टा लिखा था, जो पहले लिखा था वो बाद में आ गया, जो बाद में लिखा था वो पहले आ गया। तो ये कैट कमांड के बहुत अच्छे यूजेस हैं, ठीक है, ये आपको बहुत फायदेमंद देंगे, जब आप कंपनीज में जाएंगे काम करेंगे तो बहुत फायदा करेंगे, और आपकी इस नॉलेज को अप्रिशिएट भी करेंगे लोग, क्लियर। चलिए तो अब जो मैंने आकाश नाम की फाइल बनाई, अब देखिए मैं यहाँ पे आकाश नाम की फाइल को वापस से एडिट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको वापस एडिट करूं, तो मैं क्या करूंगा, नैनो, ठीक है, और मैं आकाश यहाँ पे खोलूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एडिट हो, तो ये देखिए ये क्या है, ग्राफिकल यूजर एडिटर तो नहीं है, सिर्फ कमांड लाइन एडिटर है, जो जी एडिट है वो ग्राफिकल यूजर एडिटर है, इसमें आप माउस के जरिए कैसे भी एडिट कर सकते हैं, ये तो आप सॉरी, इसको तो आप विंडोज में भी करते हैं, तो विंडोज में और यहाँ पे कुछ फर्क तो होना चाहिए। अरे आप लिनक्स पे काम कर रहे हैं या आप
आप बताएं तो सही कि हाँ मैं लिनक्स पे काम कर रहा हूँ, नहीं तो अगर आप विंडोज की तरह लिनक्स पे काम करेंगे जी एडिट वगैरह एडिटर से, तो फिर फर्क क्या रह जाएगा विंडोज में लिनक्स में। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊं जो विंडोज में ना यूज होके सिर्फ लिनक्स में यूज होता है ना, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप यूज कर सकते हैं। देखिए अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कीबोर्ड के माध्यम से मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वेलकम टू देव साइबर सिक्योरिटी की जगह वेलकम टू साइबर वर्ल्ड, ठीक है ये कर देता हूँ, चेंज कर दिया मैंने इसको, मॉडिफाई कर दिया। इसके अलावा मैंने और एक चीज लिख दी इसमें कि अंडरटेकर, ठीक है द लिख दिया द रॉक, ठीक है WWE काफी देखता था मैं, और यहाँ पे लिख दिया मैंने जॉन सीना, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे आपको सिंपल कंट्रोल एक्स करेंगे तो बिना सेव किए ये वापस आ जाएगा, है ना, और सेव नहीं होगा। इसके लिए अब आपको नया ऑप्शन लगाना पड़ेगा, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ओवरराइट, कि आपने ओवरराइट करा है ना, आपने मॉडिफाई करा है, तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, Ctrl+O, Ctrl+O आप कर देंगे, इसका मतलब कि मैंने जो भी ओवरराइट किया है वो सेव हो जाए, एंटर प्रेस कर दूंगा और Ctrl+X कर दूंगी, ठीक है। आपको कोई नई फाइल बनानी हो, एग्जिस्ट नई फाइल बनानी हो, तो आप क्या करेंगे, नैनो नई फाइल, उसमें जो भी काम करेंगे फिर उसको Ctrl+X करेंगे, Shift+Y से सेव करेंगे। लेकिन आप एग्जिस्टिंग फाइल में कोई अपडेट करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि भी कंटेंट दोबारा लिखना है, कुछ अपडेट करना है, तो आप क्या करेंगे, नैनो और कुछ भी अपडेट करने के बाद में Ctrl+O देन एंटर देन Ctrl+X, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जो मैं कंटेंट मैंने उसमें अपडेट करा क्या वो आया है कि नहीं आया, तो मैं यहाँ पे कैट कमांड का यूज लूंगा, कैट आकाश, ठीक है। तो देखिए यहां पर सॉरी कैट नहीं, मैंने नैनो यूज कर दिया, Ctrl+X करते हैं, ठीक है नैनो, मैं कैट कमांड लिखता हूँ, कैट और आकाश, देखिए यहां पर जो मैंने चेंजेस किए थे वो यहां पर शो हो गए, क्लियर है गाइस। तो इस तरीके से क्या है, ये कुछ कमांड्स हैं जो आपको यूज लेने पड़ेंगे, जो आगे आपके बहुत काम आएंगे। अब मैं आपको सिंपल आपको बताता भी, पहले फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, क्या है वो सब बाद की बातें, वो आपको आ ही जाएगा, वो आपको आता भी होगा, लेकिन ये जो मैंने आपको कमांड्स बताई थोड़ी एडवांस है। फाइल क्रिएट कैसे करते हैं, किस किस का क्या क्या यूज है, कैट हो, टच हो, VI हो और नैनो हो, है ना, ठीक है। और VI जो है वो बहुत पावरफुल एडिटर है, वो हर लिनक्स में यूज होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका वीडियो पसंद आया है मेरा ये वीडियो, तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जब मैं नया वीडियो डालूंगा तब आपको पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो प्लीज कर लें, जो भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं प्लीज अभी के अभी मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों एक चीज वापस याद दिला रहा हूँ कि इस कोर्स से रिलेटेड या फिर और जितने भी कोर्सेज हैं ना साइबर सिक्योरिटी के, उनसे रिलेटेड का कंटेंट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे नीचे डालता रहता हूँ, आप नीचे जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जितने भी PPTs PDF या और कहीं से भी जो भी कंटेंट मिलता है उनको आप लोगों के लिए, है ना, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को मिलना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मैं उस टेलीग्राम चैनल पे डालता रहता हूँ। तो आप अभी जाएं और उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और भूलना मत दोस्तों कि 2 जून को मैं अपना नया बैच शुरू कर रहा हूँ, अभी जाके आप फॉर्म फिल करिए नीचे डिस्क्रिप्शन में, और कोर्स ब्रोशर्स को जरूर चेक करिए, आपको बहुत एडवांस मॉड्यूल्स मिलेंगे, ठीक है, और बहुत मिनिमम ऑफ कॉस्ट में, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दुआ में जरूर याद रखें दोस्तों, थैंक यू।